जी हाँ, आपने जो थंबनेल में अभी देखा वो बिल्कुल सच है। चैनल के ऊपर 1 मिलियन से ऊपर वाला चैनल है जिसके ऊपर 40 कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुके हैं। अभी उन्होंने एक अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें प्ले बटन भी मिला था यूट्यूब की तरफ से। जी मैं NSB पिक्चर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर फोटोशूट्स और लाइट रूम और वीडियो एडिटिंग की जो है टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताया जाता है और उसके अंदर एडोबी के सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। तो कुछ लोगों को लग भी रहा होगा कि एडोबी का सॉफ्टवेयर ऐसी क्या बात है। आपने अगर नोटिस किया हो तो एडोबी के सॉफ्टवेयर की जो वीडियोज होती है जिनमें एडोबी के सॉफ्टवेयर के बारे में डाउनलोड करने के बारे में बताया जाता है, तो वो आपको 1 साल से पुरानी कोई वीडियो नहीं मिलेगी, ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर की ही वीडियो मिलेगी। क्योंकि एडोबी क्या करता है, उनको डायरेक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है, क्योंकि एडोबी नहीं चाहता कि हमारा कोई पेड सॉफ्टवेयर फ्री में यूज करे। जाहिर सी बात है कि अगर आपकी भी कोई कंपनी है और आपकी चीज को ही कोई कॉपी करके फ्री में लोगों को दे दे तो आपके पास अर्निंग का सोर्स क्या रहेगा। तो एडोबी भी ऐसे ही करता है। एडोबी एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिन लोगों को नहीं पता है, तो एडोबी ने क्या किया है कि उनकी कुछ वीडियोज के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया और उसके बाद बाकी की वीडियोज जो है यूट्यूब ने हटा दी। उनकी अप्रोक्स 40 से ज्यादा वीडियोज को अभी यूट्यूब ने हटा दिया है यूट्यूब से प्रीमियर प्रो के कहने के बाद। और अगर मैं बताऊं तो मेरी खुद की, पहले मैंने प्रीमियर प्रो की वीडियो अपलोड की थी अप्रोक्स 1 साल पहले कि प्रीमियर प्रो को कैसे डाउनलोड करना है फ्री में, तो मेरी वीडियो के ऊपर व्यूज बहुत अच्छे आए थे, सब्सक्राइबर भी आए थे। लेकिन बाद में यूट्यूब ने प्रीमियर प्रो के कहने पे उस वीडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी थी और उस वीडियो को यूट्यूब से हटा दिया था। उसके बाद मैंने फोटोशॉप की वीडियो अपलोड की थी, उस पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया था। आखिर में बात यह आता है कि प्रीमियर प्रो जो है वो नहीं चाहता कि उसके कोई भी सॉफ्टवेयर फ्री में यूज करें, इसीलिए वो कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है सबको। मेरे को खुद 2 बार आई थी, एक बार फोटोशॉप के लिए, एक बार प्रीमियर प्रो के लिए। और उसके अलावा जैसे NSB पिक्चर्स है, और उसके अलावा मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जो मैं देखता हूं। और अगली बार दोबारा जब अगर मैं प्रीमियर प्रो डाउनलोड करने के लिए जाता हूं तो फिर किसी दूसरे बंदे की वीडियो ट्रेंडिंग में होती है। जैसे अभी फिलहाल मेरी वीडियो ट्रेंडिंग में है, लेकिन वो कब तक है कोई पता नहीं है, कब उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा कुछ नहीं पता है। अभी वो फिलहाल वीडियो चल रही है, लेकिन जल्दी उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और उस पर मुझे पता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा तो, लेकिन अभी आप ये बोलोगे कि फिर मैं हटा क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि हटा मैं इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको वो वीडियो देखनी जरूरी है। क्योंकि हमारे पास 3 कॉपीराइट स्ट्राइक का ऑप्शन होता है 3 महीने के अंदर। अगर मेरी एक वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाता है तो 2 कॉपीराइट स्ट्राइक अभी मेरे पास बच जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या किया है, प्रीमियर प्रो की उस वीडियो का लिंक सारी वीडियोज में से हटा दिया है। दरअसल प्रीमियर प्रो क्या करता है, वो एक वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक देता है, उसके बाद यूट्यूब उस चैनल की सारी वीडियोज देखता है और जिस भी वीडियो के ऊपर उस वीडियो का लिंक होता है या उस सॉफ्टवेयर का लिंक होता है कि इसको फ्री में कैसे डाउनलोड करना है, ऐसे कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो यूट्यूब उस पूरे चैनल को खंगालता है और उसके बाद चेक करता है कि इसमें कितनी ऐसी वीडियो, उन सभी वीडियो के ऊपर यूट्यूब फिर कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है या फिर उनको कम्युनिटी गाइडलाइंस में स्ट्राइक दे देता है और उसके बाद वो चैनल डिलीट हो जाता है। अब मेरे चैनल पे 2 आई थी तो मैंने उसके बाद बंद कर दिया था इस वजह से। उसके बाद मैंने बीच में वीडियोज भी नहीं अपलोड की थी क्योंकि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बैन लग जाता है अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हो और आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो आप 1 हफ्ते से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाओगे। और मैं अगर आपको बताऊं तो यूट्यूब एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने मिलियन सब्सक्राइबर हैं। जहां तक कि आप सभी को पता होगा कि कैरी मिनाटी ने जब टिकटॉकर्स के खिलाफ वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो के ऊपर भी कॉपीराइट स्ट्राइक डलवा दिया गया था, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी कम्युनिटी जहां पे सबकी सुनी जाती है और किसी के साथ कोई फर्क नहीं किया जाता कि कोई बड़ा यूट्यूबर है या छोटा यूट्यूबर है। आपको बराबर वहां पे बराबर सपोर्ट मिलता है और सजा भी आपको बराबर ही भुगतनी पड़ती है अगर आप ऐसा कोई क्राइम करते हो तो। अगर आप कोई ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे प्रीमियर प्रो या कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर की वीडियो बनाते हो कि कैसे इसको डाउनलोड करना है तो आप ना बनाए, कहीं आप बोलो कि मैंने क्यों बनाई, मैं बोल रहा हूँ बना सकते हो, लेकिन अगर आपने ऐसी कोई वीडियो बनाई तो आप ऐसे अंजाम के लिए तैयार रहें जैसा NSB पिक्चर्स के साथ हुआ या फिर मेरे भी एक वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, तो आप उसके लिए तैयार रहना। आपको सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे और मैं सब्सक्राइबर्स के लिए ही मैंने ये वीडियो अपलोड कर रखी है ताकि मेरे लिंक आप सबसे बन जाए। लेकिन अगर आपको ऐसी वीडियो कोई बनानी है तो मत बनाइए और कोशिश कीजिए कोई अच्छा कंटेंट बनाने की जिसके बाद आपको खुद ही रीच मिल जाएगी और आपको ऐसी वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।